roles in various films. Some of his films include Khuda Gawah, Roop Ki Rani, Choron Ka Raja, Escape from Taliban, Sarfarosh, etc. So how do you feel today? Very fine, thank you so much. मुझे लगता है कि हम सब के रोल के मालिक आजाद हुसैन है। हम सब एक फोन पे आए हैं, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं इस फिल्म में क्या कर रहा हूँ, बट रोल खतरनाक करता हूँ, इंसान अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। द किंग ऑफ क्राइम इट्स अ रियलिस्टिक ड्रामा प्रेजेंटेड ब्यूटीफुली बाय मिस्टर शारिक मिन्हा। गुरु है। जब मैं बॉम्बे आया था तो शारिक भाई से मिला, उन्होंने मुझे सिखाया डायरेक्शन, इस मुकाम पे हूँ शारिक भाई की वजह से। टास्क कैसी रहेगी तो बनने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ये आज़ाद आया था मेरे पास और एक कहानी सुनाई मेरे को, कुछ अलग से है और मेरा करेक्टर भी अलग से है। मुझे कहानी भी अच्छी लगी, करेक्टर भी अच्छा लगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये मैं कैसे बता सकता हूँ यार, डायरेक्टर को पूछो, बता सकता है। एक सस्पेंस है, टास्क नाम जो है, टास्क डेंजरस गेम। तो हाँ नहीं, ये टास्क डेंजरस गेम ऐसा फिल्म है, सस्पेंस है, थ्रिलर है और रियलिस्टिक है काफ़ी हद तक। और राजू सर का जो करेक्टर है, एक तरफ से समझ लीजिए मैन लीड है। एक बंदा होता है जिसके बीबी हैं, बच्चे हैं और उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो और भी करेक्टर बहुत सारे हैं, क्या क्या करता है, लेकिन एक गेम है, एक डेंजरस गेम में एक छोटा सा एक टास्क रहता है, उस टास्क से एक डेंजरस टास्क बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल ये है कि ये गिलास में ड्रिंक है, चार लोग और भी करेक्टर हैं जिसमें आदित्य लाखिया जी हैं और सर हैं, आर्यन वेद हैं वो शूट पे हैं इसके लिए नहीं आ पाए, और आदित्य लाखिया जी के पापा हैं गुजरात में, उनका तबीयत ख़राब है तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो इसकी वजह से नहीं आ पाए वो। और काफ़ी करेक्टर हैं जो राखी की वजह से भी नहीं आ पाए। शूटिंग हमारा चलेगा मुंबई में, गोवा में और सिलीगुड़ी। सर मैम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि एक मेरे लिए और भी जो जुड़े हैं उनके लिए एक नया पहचान बनेगा। अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन एक अलग पहचान बनेगी। ज़्यादा बहुत कुछ होगा ऐसा नहीं कहते ना, यह यशराज से टक्कर लेना, लेकिन एक पहचान होता है ना आज़ाद हुसैन का। आप समझ सकते हैं कि राजू ममानी आज़ाद हुसैन के साथ काम कर रहा है तो कुछ तो होगा, समझ रहे ना। ऑलरेडी सर प्रोड्यूसर रह चुके हैं, डायरेक्टर, फाइनेंसर, तो कुछ तो है कहानी में जो ये काम कर रहे हैं सर, तो आप समझ। गाना इरफान भाई गा रहे हैं, मोहम्मद इरफान और शाहिद मालिया, दो गाने आज रिकॉर्डिंग होंगे। इसमें और कैरेक्टर हैं जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी थोड़ा देर में। तो मैं स्टोरी बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सस्पेंस ही रहना अच्छा है, मैं गाने तक मैं किसी को जानने दे रहा हूँ, है ना। तो गाना है रोमांटिक है, अभी के मूड के हिसाब से आप समझ सकते हो कि इरफान भाई गा रहे हैं तो गाना किस टाइप से होना चाहिए, है ना। तो किसी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बहुत अच्छा है। और इरफान भाई को मोबाइल में सुनाया गया था तो उन्होंने बोला यार करूँगा।
ऐसा कोई ये होता है ना कि कौन प्रोडक्शन है क्या है, ये बहुत सारे सवाल जवाब, लेकिन गाना सुन के उन्होंने बोला यार जो भी बंदा बना रहा है अच्छा ही है। तो गोफी भाई हैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर। और कुछ सवाल सर आप बता सकेंगे? मैं 5-6 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। संजय को हाँ, कर रहा हूं। अभी मैं इंट्रोड्यूस बाकी एक्ट है, फिर रंगदारी है, फिर एक में मैं ये बनाऊँ क्या बोलते हैं दलित, वो नाम नहीं दिया फिल्म का अभी, वो भी अच्छा है, तो ये करेंगे। थैंक यू सर। सर हीरोइन हमारी नहीं, नहीं हीरोइन जो है कि फॉरेनर लड़की अभी सर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 महीने अभी है टाइम में, तो इस बीच में आ जाएगा, काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है ना हीरोइन। और बाकी कैरेक्टर जो 5 कैरेक्टर हैं, 5 लड़कियां हैं, तो उसमें कुछ लोग हैं हमारे पास। जिग्नेश आ जाओ, जिग्नेश काजल ये कॉलेज के, और राहुल आइए, और हेलो शारिक भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके Thank you so much.